गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट मैथ। नंबर्स अप टू 50। काउंट राइट द नंबर एंड नंबर नेम्स ऑफ द फ्लोरिंग। इससे पहले कि आपको ये बुक देखनी पड़ेगी, ये बुक देखिए। इस बुक में ये एक बाग बना हुआ है, एक उसके अंदर बहुत यानी या स्कूल समझ लीजिए, कॉलेज विद्यालय जो भी है उसके अंदर ये झूले भी दिखाई दे रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, और इसके अंदर पेड़ भी है, इसके अंदर तालाब भी है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। सब टोटल आपके 50 हो रहे हैं, और इनमें आपके तालाब के अंदर फूल भी दिखाई दे रहे हैं, और बतख वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, गिलहरी भी दिखाई दे रही है, पेड़ पर मैंगो भी दिखाई दे रहे हैं, आम भी दिखाई दे रहे हैं सब। अब इन सब को आपने देख लिया, समझ लिया। अब इसके नीचे लिख रहा है काउंट, गिनती, राइट द नंबर एंड और नंबर नेम्स ऑफ द फ्लोमिंग। इसके अंदर आपको नंबर्स लिख के और इसमें इंग्लिश में आपके इस बॉक्स में कितने नंबर आ रहे हैं और इसके इंग्लिश में क्या नंबर है क्या है उसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा गया है फूल, ये फूल इस बाग में, इस तालाब में, देखिए ये फूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कमल के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तालाब में 9 फूल दिखाई दे रहे हैं। ये 9 फूल को आपको इस बॉक्स में 9 लिखना होगा। इसके सामने आपका ये फूल 9 फूल हो गया है। अब इसी को हिंदी में क्या करेंगे, आओ ये 9, ये आपका नमूना हो गया है। इस बॉक्स में 9 लिखेंगे और इंग्लिश में ये 9 आप लिखेंगे। इसी तरह आपको बॉक्स में पूछा गया है ये बतख, कितने बतख हैं, कितनी चिड़िया है ये बतख वाली, तो आपको इसी बुक से आपको देखना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6 इस तालाब के अंदर 6 दिखाई दे रहे हैं। इसी के अंदर हम बॉक्स में 6 डाल देंगे और इसी के सामने आपको इस लंबे बॉक्स के अंदर ये आपको 6 लिखना होगा। इसी तरह आपकी गिलहरियां हैं, ये पेड़ के नीचे देखिए कितनी गिलहरियां दिखाई दे रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 गिलहरियां हैं और इस बॉक्स के अंदर आपको 1, 2, 12 ये 1, 2, 12 इसी के सामने आपको बॉक्स में 12 लिखना होगा। सही हो, 12। इसी तरह आपका मैंगो है तो आपके इस पेड़ पर
कितने मैंगो हैं, ये गिनती करने के बाद पता चलता है कि ये 20 और इसी के सामने आपको बॉक्स में 20 लिखना पड़ेगा। ये आपका बस इतना ही है। इस तरह जैसे हमने आपको बताया है, ये कभी जब आप देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है, इस बॉक्स में क्या भरना होगा, क्या लिखना होगा। इसलिए हमने आपको पहले जानकारी दे दिया है कि इस बागीचे के अंदर, इस स्कूल के अंदर कितने बागीचे हैं, इस बागीचे के अंदर क्या क्या है। यानी ये या तो यूँ समझिए कि कोई विद्यालय है, उसके अंदर पेड़ पौधे तालाब हैं, या कोई बागीचा है, बाग है, उसके अंदर स्कूल है, तालाब है। यानी कोई भी किसी भी तरह आप इसको समझ सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इस बॉक्स में भरने के लिए दिया गया है। मेरे बच्चों, बस आज इतना ही, आप इसको समझेंगे और आपके वीडियो में ये आपका फिंगर जाएगा, ये फैक्स जाएगा। इस हिसाब से आप अपना समझ लीजिएगा, इसको लिख पढ़ के आप लोग अपना अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ। और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो अवश्य एडमिशन करा लें, ताकि आने वाले वक्त में आपको उस एडमिशन के हिसाब से आपका रिजल्ट आपको प्राप्त हो सके। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपको रिजल्ट भी मुश्किल हो जाएगा लेना, और स्कूल की जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी। और आप कितना भी कोशिश करेंगे कि हम फला स्कूल से हमारा संबंध है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं, जब आपका उस स्कूल के अंदर नामो निशान नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा, नाम नहीं होगा, तो स्कूल बोलेगा कि हमारे स्कूल का बच्चा नहीं है। इसलिए आप कोई भी स्कूल का काम कराने के लिए परेशान हो जाएंगे, आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे किसी का भी स्कूल हो, कहीं भी आप जाएंगे, अगर उसकी उस स्कूल के अंदर अगर आपका एडमिशन नहीं है, नाम दर्ज नहीं है, तो आप उससे कोई भी चीज़ लेने में, कोई भी काम कराने में असमर्थ होंगे। इसलिए आपसे बहुत निवेदन है कि आप लोग अपना अपना नाम लिखवाएँ, अपने अपने माँ बाप से कह के अपना एडमिशन कराएं, और जो कुछ लेन देन है अगला पिछला वो स्कूल में आके समझे मुझे, अपना लेन देन करें, ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए आसानी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।